नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जब तुम इस्तिग़फ़ार करते हो ना तो अल्लाह हर मुश्किल से निकलने के लिए तुम्हें रास्ता अता फरमाता है और अल्लाह तुम्हें वहाँ से रिस्क अता करता है जहाँ से तुम्हारा कभी गुमान भी नहीं गया होता। कभी ना तवज्जो करें जब पूरी तरह टूट जाए ना, फिर तवज्जो करें रब की जानिब। जब पूरी कोशिश करें काम ना हो तो फिर बैठ जाए अपने मालिक की बारगाह में। मालिक असबाब जमा कर लिए, अब तो मदद फरमा। जब पूरी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बड़े आया करते थे, मेहमान नवाज भी बड़े थे, बगैर मेहमान के खाना ही नहीं खाते थे, बड़े मेहमान नवाज थे। तो कहत पड़ गया मिस्र में, गल्ला ही नहीं मिलता। हज़रत इब्राहिम का एक दोस्त था, आप फलस्तीन में थे, वो मिस्र में था। आपने उसके पास ऊँट भेजे कि 4-5 ऊँटों पर गल्ला अनाज रख के मुझे रवाना कर ताकि मैं अपने जो मेरे पास मेहमान जमाए उनको खाना तो दे सकूँ। वो ऊँट रवाना हो गए, हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह लिखा है, चले गए ऊँट। अब मेहमान जमा हैं, उनको भी खबर दे दी गई है कि आप फिक्र ना करें, गल्ला मिस्र से आने लगा है, खाना मिलेगा। लेकिन जब वहाँ उठ गए तो उन्होंने कहा, कहत चूँकि बहुत ज़्यादा था, अनाज सारी हम तकसीम कर चुके हैं, अब तो हमारे पास गल्ला नहीं है। वो खाली आ गए वापस। जब वो खाली वापस आ रहे थे ना ऊँट, तो जो आपके खुदाम लेने गए थे उनके दिलों में ये ख्याल आया कि हम अगर खाली वापस जाएंगे